नमस्कार दोस्तों, सूचना प्रसारण मंत्रालय के न्यू मीडिया विंग और पत्र सूचना कार्यालय के द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित इस फेस टू फेस कार्यक्रम में मैं अमित कुमार आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबका साथ सबका विकास, इस लक्ष्य को लेकर चली प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार जल्द ही अपने 3 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण करने जा रही है। ये 3 वर्ष सरकार के लिए अनेकानेक उपलब्धियों भरे रहे। गांव, गरीब, महिला, किसान, पिछड़े वर्ग, इन सब के साथ साथ युवा उद्यमशीलता और रोजगार सृजन पर इस सरकार ने विशेष रूप से बल दिया। इस संदर्भ में सूक्ष्म, लघु एवं मंझोले उद्योग मंत्रालय के कामकाज के बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं केंद्रीय मंत्री श्री कलराज मिश्र जी। इस कार्यक्रम में सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप अपने प्रश्न इस वीडियो के नीचे फेसबुक पर और ट्विटर पर आस्क एमएसएमई मिनिस्टर के द्वारा भी पूछ सकते हैं। सबसे पहले सरकार के सफल 3 वर्ष पूर्ण होने पे मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और सर, शुरुआती रूप में हम जानना चाहेंगे गत वर्षों में आपके मंत्रालय की अहम उपलब्धियाँ क्या रही। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने जब सत्ता संभाला उसी समय उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार गरीबों के प्रति समर्पित सरकार है, नौजवानों के प्रति समर्पित सरकार है। और इस प्रकार से उन्होंने अपना एक विजन प्रस्तुत कर दिया। हिंदुस्तान में गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की तादाद बहुत अधिक है और 65% ऐसे लोग हैं जो 35 वर्ष के आयु से नीचे के हैं, तो युवा भारत है। बेरोजगारों की संख्या सर्वाधिक है और इसलिए प्रधानमंत्री की जी के इस विजन के आधार पर सूक्ष्म, लघु, मध्यम मंत्रालय ने काम करना शुरू किया। और प्रारंभ में ही हमने ये स्लोगन दिया, बेरोजगार से लेकर स्वरोजगार तक की यात्रा, उद्यमी बनाना। और इसलिए हम मान के चलते हैं और प्रत्यक्ष रूप से दिखाई भी पड़ा है कि सूक्ष्म, लघु, मध्यम मंत्रालय एक देश के अंदर सर्वाधिक मैन्युफैक्चरिंग में योगदान करता है, 45% योगदान करता है, विकास दर में भी 8% मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में और 30% सर्विस सेक्टर में, अधिक से अधिक एम्प्लॉयमेंट का सृजन करता है। लगभग 11 करोड़ इस समय एम्प्लॉयमेंट उनको प्राप्त हुआ है। लगभग 4 करोड़ 53 लाख ऐसे उद्योग भी हैं। तो ये सब मिलाकर इनके माध्यम से अधिक लोगों को उद्यमी बनाया जा सकता है और अधिक से अधिक हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं। हमारे मंत्रालय ने इसमें विशेष रूप से, प्रधानमंत्री जी ने जो प्रारंभ में ये व्यक्त किया था खादी के बारे में कि खादी का वस्त्र लोग खरीदें, इसमें सर्वाधिक लोग आए और खरीदारी भी, खादी के उत्पादन में भी बढ़ोतरी हुई। खादी में सर्वाधिक रोजगार का सृजन होता है और मैं कह सकता हूँ कि 3 वर्षों के अंदर 19 लाख के आसपास रोजगार का सृजन हुआ है। और जो PMEGP है, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, इसमें विलेज इंडस्ट्री और उसके साथ रोजगारी लोग जो होते हैं, ऐसे सब मिलाकर 3 लाख से ज़्यादा इसके अंतर्गत रोजगार का सृजन हुआ। इसमें लगभग 1 लाख से ज़्यादा उद्यमी तैयार हुए। ये सब मिलाकर हमारा टूल्स रूम है, जो टेक्नोलॉजिकल सेंटर सिस्टम प्रोग्राम है, उसके अंदर 3 वर्ष के अंदर 1.5 लाख से ज़्यादा रोजगार का सृजन हुआ, इसमें एंटरप्रेन्योर भी बने हैं। इस ढंग से हमारा क्वायर इंडस्ट्री है, क्वायर इंडस्ट्री के अंदर सर्वाधिक महिलाएं हैं, इसमें मिलाकर 8 लाख तक का रोजगार का सृजन हुआ है। लेकिन इन वर्षों के अंदर मेरे जो आंकड़े आए हैं उसमें भी 1.25 लाख के आसपास रोजगार का सृजन हुआ है, जिसमें महिलाएं 80% हैं। तो इस तरीके से मिलाकर लगातार रोजगार का सृजन हुआ है। प्रधानमंत्री जी ने गरीबों के लिए भी SC ST हब इसको लॉन्च किया था। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में गुणवत्तायुक्त मैन्युफैक्चरिंग हो, इसके लिए जीरो इफेक्ट लॉन्च किया है। और साथ ही साथ स्टैंड अप इंडिया लॉन्च किया है, जिसमें महिलाएं और ऐसी बैंक इसको एडॉप्ट करेंगे। और इतना ही नहीं, स्टार्टअप का भी इसमें है, जिसके अंतर्गत हमारे यहाँ एस्पायर स्कीम है। स्पायर स्कीम में इनोवेशन के आधार पर हम
लाइवलीहुड इंक्यूबेशन सेंटर्स के माध्यम से एंटरप्रेन्योर भी तैयार करते हैं और उसमें लोग ट्रेनिंग प्राप्त करके रोजगार भी प्राप्त करते हैं। तो इस तरीके से इनिशिएटिव लिया है। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया हमारे यहाँ बड़ी जटिल थी, उसको हमने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंतर्गत उद्योग आधार मेमोरेंडम इसको बड़ा ही आसान बनाया और ये हो गया है एक पेज का ऑनलाइन 20 पॉइंट और उसको भर दीजिए तो पूरा का पूरा 5 मिनट के अंदर रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त हो जाएगा बिना किसी डॉक्यूमेंटेशन के, एक पैसा खर्च किए बगैर और सेल्फ सर्टिफिकेशन के आधार पर। माई MSME ये हमने मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया है जिसमें हमारी सारी स्कीम्स हैं। हमने फ्रेमवर्क फॉर रिवाइवल एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ द इंटरप्राइजेस, जो NPA होते थे वो NPA न होने पाए इसके लिए भी हमने व्यवस्था की है। ये सारी चीज़ें और जो PMEGP की योजना थी उसको ऑनलाइन किया है ताकि एप्लीकेशन देने में और करने में सारी सुविधा प्राप्त हो जाए, पारदर्शिता बने, अधिक से अधिक एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो और अधिक से अधिक एंटरप्रेन्योरशिप आगे बढ़ सके। इस दृष्टि से अनेक योजनाएं इस समय 3 वर्षों के अंतर्गत हमने स्थापित की है जिसके कारण लोगों को लगा है कि MSME के माध्यम से हम सर्वाधिक रोजगार का भी सृजन कर पाएंगे, अधिक से अधिक उद्यमी भी निर्माण होंगे और इसके माध्यम से मैन्युफैक्चरिंग भी अधिक से अधिक होगी ताकि हम देश को इसके माध्यम से एक विकसित देश बना सके। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने उपलब्धियों के बारे में विस्तार से हमसे चर्चा करी। सर हम अभी सोशल मीडिया से जो आने वाले प्रश्न हैं उनको लेंगे क्योंकि रोजगार का ज़्यादातर सलाहकार युवाओं से है और हमारे प्रश्न पूछने वाले भी ज़्यादातर लोग युवा हैं और इन्होंने एक प्रश्न पूछा है सूरज कुमार, इनका कहना है कि बेरोजगारी को MSME किस तरह से कम कर सकती है, इसमें MSME का क्या योगदान हो सकता है? देखिए एग्रीकल्चर सेक्टर की अपनी सीमा है, जो बड़े उद्योग हैं वे भी उतना अधिक रोजगार प्रदान नहीं कर सकते, लेकिन कम पूंजी में अधिक से अधिक उद्यमी तैयार करना और कम पूंजी में अधिक से अधिक रोजगार का सृजन करना केवल MSME के ही माध्यम से हो सकता है और MSME इस दिशा में काम कर रही है और मैंने आपने बताया अधिक से अधिक उद्यमी तैयार करके और अधिक से अधिक इंटरप्राइजेस तैयार करके PMEGP के माध्यम से हो, चाहे छोटी इंडस्ट्री हो और चाहे मुद्रा योजना के माध्यम से हो जो प्रधानमंत्री जी ने योजना घोषित की है उसके माध्यम से हो, इसके माध्यम से हम रोजगार अधिक से अधिक दे सकते हैं और बेरोजगारी को दूर कर सकते हैं। सर जैसे बहुत सारे नए उद्योग जो स्थापित करना चाहते हैं युवा, उनको उस संदर्भ में ऋण की आवश्यकता पड़ती है, उस संदर्भ में कई युवाओं ने यहाँ प्रश्न पूछा सोशल मीडिया पे, जैसे मिस्टर गौरव हैं इन्होंने पूछा है इस देश में नए व्यवसाय के लिए ऋण एक सपना है, क्या आप इसके लिए MSME कुछ कर सकती है? देखिए माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम, माइक्रो की जो सीमा है 25 लाख तक की है, अगर 25 लाख का वर्किंग कैपिटल है उनके पास तो फिर लोन ले सकते हैं 1 करोड़ तक का और वो 1 करोड़ तक का लोन एक कोलेटरल फ्री है, उसको क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फंड स्कीम है हमारी, उस स्कीम के माध्यम से बिना थर्ड पार्टी गारंटी के उनको लोन दिया जा सकता है, तो लोन दिया जा सकता है। इसी ढंग से अगर मान लो छोटी उद्यम है वो कुछ करना चाहते हैं उसको बढ़ाना चाहते हैं तो हमारे CLCSS स्कीम है, क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी स्कीम, उसके माध्यम से मशीनों के रिनोवेशन के लिए भी हम 15% का लोन देते हैं वो ले सकते हैं, और भी हमारी स्कीम्स हैं जिसको वेबसाइट के माध्यम से जान सकते हैं। सर ये मिस्टर अनिरुद्ध हैं, इन्होंने जानना चाहा है कि मैकेंसले रिपोर्ट के अनुसार जल्द ही ऑटोमेशन के कारण जॉब की संभावनाएं काफी कम हो जाएंगी, इस संदर्भ में सर आपका क्या कहना? हमारे जो उद्योग हैं लेबर इंटेंसिव उद्योग हैं, इसलिए श्रम पर आधारित अधिक से अधिक श्रमिक लग सकें इस तरह की ही हमने अपने देश को आगे बढ़ाने की दृष्टि से रचना की है, इसलिए उसका कोई औचित्य नहीं है। सर आईवीआर खादी के नाम से एक हमारे पास ट्वीट आया है, इनका कहना है कि स्टार्टअप्स के लिए क्या क्या विशेष लाभ MSME की ओर से मिल सकते हैं? देखिए स्टार्टअप के लिए एक अलग से भारत सरकार की तरफ से योजना है अटल इनोवेशन मिशन, तो अटल इनोवेशन मिशन के अंतर्गत 10,000 करोड़ का सिडबी के माध्यम से फंड है और उसी ढंग से हमने भी एक स्कीम शुरू की है और उस स्कीम का नाम है ये स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ इनोवेशन रूरल इंडस्ट्री एंड एंटरप्रेन्योरशिप एस्पायर, और इस स्कीम के माध्यम से भी स्टार्टअप्स को हम मदद करते हैं और लाइवलीहुड बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर्स है,
टेक्निकल बिजनेस इनक्यूबेशन सेंटर है TBI, इस माध्यम से हम काम करा रहे हैं और स्टार्टअप को इसके द्वारा लाभ प्राप्त होता है। मंत्री जी, ट्विटर के माध्यम से अश्विनी गर्ग पूछना चाहते हैं कि जो सब्सिडी, अलग अलग प्रकार की सब्सिडी जो दी जा रही है, वो आप उस पर थोड़ा प्रकाश डाल सकेगा तो। हमारे यहाँ जो विभिन्न प्रकार की स्कीम्स हैं उसमें हम सब्सिडी देते हैं। जैसे सबसे अधिक जो विलेज इंडस्ट्रीज हम सर्वाधिक करवा रहे हैं खादी ग्रामोद्योग माध्यम से, वो PMEGP की है। हमने उसको ऑनलाइन किया है और उसमें हमने मार्जिन मनी सब्सिडी के रूप में हम देते हैं। वो सब्सिडी में जो जनरल लोग हैं, सामान्य लोग हैं, शहर में अगर लगाते हैं तो 15% की सब्सिडी है, गांव में करते हैं तो 25% की सब्सिडी है, और अगर SC ST और महिला हैं और नॉर्थ ईस्ट जोन के हैं, अगर वो शहर में करते हैं तो 25% की सब्सिडी है, और गांव में करते हैं तो 35% की सब्सिडी है। वो बैंक बाकायदे डिस्ट्रिक्ट लेवल टास्क फोर्स की मीटिंग होती है, उस मीटिंग के माध्यम से तय करते हैं और बैंक उसको सैंक्शन करता है, उस माध्यम से लोन देते हैं। ये भी हमने ऑनलाइन की है और ऑनलाइन के आधार पर सीधे सीधे उनको लाभ प्राप्त होता है, तो इस माध्यम से हम उनको देने का प्रयास कर रहे हैं। और बाकी के स्कीम से जैसे मशीनों को मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में अगर मशीनों को ठीक से अच्छा बनाकर काम करना चाहते हैं तो नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस प्रोग्राम है और उसके कई कंपोनेंट हैं, डिजाइन क्लीन टेक्नोलॉजी है, लीन टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी क्वालिटी अपग्रेडेशन है, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, ये सारी स्कीम्स हैं। इन स्कीम्स में हम 15% की सब्सिडी देते हैं, वो भी सब्सिडी हमारे क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी के माध्यम से मिलती है। खादी के अंदर हम सब्सिडी देते हैं, ये MPDA मार्केटिंग प्रमोशन डेवलपमेंट असिस्टेंस है, इसमें हम अच्छी सब्सिडी देते हैं। जैसे जो आर्टिजन्स हैं उनको 40% की है, प्रोडक्शन करने वाले हैं उनको भी 40% की है, मार्केटिंग के हैं उनको 20% की है, ISEC है जो सर्टिफिकेट लेते हैं उसके अंतर्गत, उसमें हम 4% इंटरेस्ट के आधार पर वो लोन ले सकते हैं, बाकी का जो मार्जिन बचता है उसको हम सब्सिडी के रूप में बैंक को प्रदान करते हैं। हम और भी क्षेत्रों में, क्वायर के क्षेत्र में भी सब्सिडी देते हैं, विशेषकर महिलाओं के लिए, उसमें उनका अगर ट्रेनिंग हम देते हैं तो ट्रेनिंग के पीरियड में 1,000 रुपये उनको हम देते हैं, बाद में 7,000 रुपये हम और देते हैं ताकि वो अपना इंडस्ट्री लगा सके। कई क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की सब्सिडी देकर इसी ढंग से हम जैसे NSIC में रॉ मटेरियल देते हैं उसमें भी हमने सब्सिडी दी है, लोन के अंतर्गत पहले 3% का था उसको कम करके हमने 1% किया है, और अनेक उसमें क्रेडिट जो क्रेडिट रेटिंग का सवाल है, रेटिंग के लिए होते हैं परफॉर्मेंस रेटिंग के रूप में, उसमें हमने पूरा का पूरा इंडस्ट्री को सब्सिडी दी है छोटे को, और 40,000 रुपये तक की या 75% तक की, इस प्रकार की हम सब्सिडी दे रहे हैं ताकि रेटिंग कराते समय जो एजेंसी से ज़्यादा पैसा लेती हैं वो ज़्यादा पैसा ना लें। तो इस ढंग से सब्सिडी के अनेक प्रकार हैं जिनके माध्यम से सब्सिडी देकर हम छोटे छोटे उद्यमियों को प्रोत्साहित करने का प्रयास कर रहे हैं। सर, जैसे कि लघु और कुटीर उद्योगों में ज़्यादातर जो लोग हैं वो दैनिक भत्तों पर हैं, तो इस संदर्भ में फेसबुक के माध्यम से आशु उपाध्याय ने पूछा है कि MSME में ज़्यादातर लोग जो दैनिक मजदूरी के आधार पर रखे जा रहे हैं उनको ज़्यादातर अकाउंटिंग सिस्टम ना होने की वजह से उनका जो लघु उद्योग के मालिक है उनका दैनिक भत्ता केवल मार लेते हैं या उनका टैक्सेशन में प्रॉपर ना आने की वजह से दैनिक भत्ता मार लेते हैं। मुझे लगता है कि वो अगर जरा स्पष्ट करते कि किसमें है तो ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन जो उन्होंने कहा है मुझे लगता है कि विशेष रूप से KVIC के हिसाब से ही कहा है। ठीक है, उनको दैनिक देते हैं, संस्थाएं देती हैं दैनिक, संस्थाएं दैनिक जो देती हैं वो अब हमने उसको ऑनलाइन कर दिया है DBT के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से, ताकि संस्थाएं भी उनके खाते में पैसा प्रतिदिन जमा करें। हालांकि वो लेते हैं महीने के में, लेकिन वो प्रतिदिन के हिसाब से ही होता है। तो एक तो ये प्रोसेस है, इस आधार पर दैनिक भत्ता वाला जो मामला है इधर से है, और उसमें और कोई शिकायतें हों, उनको लगता है अमुक स्थान पर इस बार की चीजें आ रही है, तो मैं समझता हूँ कि उसको ठीक किया जा सकता है। मंत्री जी, एक सवाल हमारे पास आया है आस्क मिनिस्टर, उससे हमारे पास सवाल आया है, इसमें इनका पूछना है
कि जो हैवी सिक्योरिटी डिपॉजिट करवाया जाता है पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी 2012 के तहत, क्या उसमें जो लघु उद्योग हैं, छोटे मझोले उद्योग हैं, उनको कुछ छूट मिल सकती है? नहीं, उसमें कोई जो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग हैं उसमें कोई सिक्योरिटी नहीं, अर्नेस मनी बिल्कुल नहीं, बल्कि इनके लिए तो L1+15% की छूट है। तो न तो अर्नेस मनी है, न टर्नओवर का प्रश्न है, और न ही टेंडर के अंतर्गत कोई परेशानी है। L1+15% की छूट है, इसलिए इसमें किसी भी प्रकार की वो नहीं है। बल्कि SC ST को इसमें 4% का और भी देता है, 20% MSME से ही माल खरीदेंगे ये भी मैंडेटरी है, जो CPCUs हैं उनके लिए मैंडेटरी है। तो इसलिए इसमें आप बता दीजिए कि ऐसी कोई बात नहीं है। सर एक हमारे पास ईशांत जी का है, इन्होंने सवाल पूछा है, क्या इफ्को और क्रिबको कृषि भारती कोऑपरेटिव इन जैसी सहकारी संस्थाओं को भी प्रोक्योरमेंट पॉलिसी 2012 की परिधि में लाया जाएगा? मैं समझता वो नहीं। सर इसके अलावा कुछ एक नौजवान है अमन कौशिक, इन्होंने सवाल पूछा है कि जिला उद्योग केंद्र DIC जो है इसका हमें कैसे पता चलेगा कि ये कहाँ है और उसके साथ हम कैसे अपने ये जिला उद्योग केंद्र, जिला चूंकि ये स्टेट्स का है विशेष रूप से, तो जिला उद्योग केंद्र वो तो वही पता करने, अगर जिले के है तो पता करने ऑफिस कहाँ है इसलिए ये उनके ऊपर निर्भर करता है। सर इसके अलावा ट्विटर के माध्यम से हेमंत भिड़े जी ने पूछा है कि अभी तक जो लघु कुटीर उद्योग थे उनको जो मूल्य आधारित उत्पाद शुल्क था उसमें 1.5 करोड़ तक की छूट थी, तो GST के तहत इसका क्या भविष्य होगा? देखिए GST के बन जाने के बाद तो एक्साइज का कोई मतलब नहीं है, और GST में तो बिल्कुल जो टर्नओवर 20 लाख तक का है वो उनको छूट है, उसके ऊपर को सब GST के हिसाब से लगेगा। इसके अलावा सतविंदर जी का एक क्वेश्चन आया है हमारे पास फेसबुक के माध्यम से, इनका पूछना है कि हम अन्य विकासशील देश जो हैं उनकी तुलना में हमारे देश में MSME क्षेत्र में क्या अभी ट्रेंड्स हैं? देखिए हर देश में SME है, SME की परिभाषाएं भिन्न प्रकार की है, कोई वर्किंग कैपिटल के आधार पर है, कोई वर्किंग कैपिटल और लेबर के आधार पर है, तो कहीं लेबर ओरिएंटेड है, इस तरीके से भिन्न प्रकार की MSME की परिभाषाएं हैं। उस MSME की परिभाषाओं के आधार पर वहां का अपना निर्माण होता है, और इतना मैं कह सकता हूं चाहे जो भी कोई MSME की परिभाषा हो, लेकिन MSME ही किसी भी देश को विकसित देश बना सकने में सक्षम हो सकता है। और प्रधानमंत्री जी ने जो अपने विजन के आधार पर जो मेक इन इंडिया की बात की है, मैन्युफैक्चरिंग हब की बात की है, वो MSME को ध्यान में रखकर किया है, ताकि पूरे देश भर में सर्वाधिक मात्रा में छोटे छोटे उद्योगों का विस्तार हो सके, माइक्रो यूनिट अधिक से अधिक गठित हो सके, इस बात को ध्यान रखकर किया है। और माइक्रो यूनिट जगह घोषित हो सके तो स्वाभाविक रूप से अपने देश का नौजवान छोटा उद्यमी बन सकने में सक्षम होगा, और इसलिए उद्यमी बनेगा तो स्वाभाविक है स्वावलंबन आत्मावलंबन की स्थिति निर्माण होगी, और यही लोग अपने छोटे छोटे उद्योगों के माध्यम से जो मार्ग पैदा करेंगे वही आगे चलकर विकसित देश के रूप में देश को बढ़ाएगा। इसलिए हमारा भी देश उस दिशा में चल रहा है, लेकिन विभिन्न देशों की भिन्न भिन्न प्रकार की MSME के बारे में परिभाषाएं हैं, भिन्न प्रकार के कोई श्रमिक आधार श्रम के आधार पर है, कोई वर्किंग कैपिटल के आधार पर है, कोई टर्नओवर के आधार पर है, ये सारी चीजें हैं। हम उस दिशा में चल रहे हैं, हमने अभी तक तो वर्किंग कैपिटल ही हमारा है, लेकिन हम श्रम को भी मान करके कोशिश कर रहे हैं। तो विकास विकसित देशों की जो स्थिति है वो किए हैं, MSME के माध्यम से विकसित हुए हैं, हमारा विकासशील देश है, हम भी MSME के माध्यम से विकसित होंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। सर अगर हम भारत को देखें तो अभी भी औद्योगिकरण जो है वो संतुलित रूप से नहीं हो पाया है, कहीं बहुत ज्यादा एग्लोमरेशन के आसपास के जो एरिया है वहां पे हमें औद्योगिक विकास ज्यादा दिखता है। देखिए ये योजना पर आधारित होता है, प्लानिंग अगर रीजनल इम्बेलेंसेस को ध्यान में रखकर की जाती है कि क्षेत्रीय आधार पर जो असंतुलन बना हुआ है उस असंतुलन को दूर करने के लिए उन क्षेत्रों में क्या क्या इंडस्ट्रियल प्रोफाइल है, क्या क्या उसकी स्थिति है, उसको ध्यान में रखकर अगर योजना बनाई जाए और उसके अनुरूप रॉ मटेरियल को ध्यान में रखते हुए छोटे छोटे इंडस्ट्री का विकास किया जाए तो निश्चित रूप से वह असंतुलन समाप्त होगा, एक संतुलित विकास होने की प्रक्रिया में
आगे बढ़ सकेंगे। मंत्री जी, आपका मंत्रालय इस दिशा में कोई रोड मैप? हाँ, हमारे मंत्रालय ने सबसे पहला काम किया कि पूरे देश भर में 658 डिस्ट्रिक्ट है, पूरे देश भर में हमने स्किल मैपिंग करवाई, और पूरे देश भर में स्किल मैपिंग के साथ साथ हर जिले का इंडस्ट्रियल प्रोफाइल भी तैयार करवाया है, और उस प्रोफाइल के आधार पर हम काम करना शुरू किए हैं, और उसी के अंतर्गत हमने जो लाइवलीहुड इंक्यूबेशन सेंटर्स की बात बताई है, और भी इस तरीके से जो चीजें किए, चाहे नॉर्थ ईस्ट जोन हो और चाहे साउथ का इलाका हो, सभी क्षेत्रों में इस बार से करने का हमने प्रयास किया है, और उस हिसाब से हम क्रमशः आगे बढ़ते जा रहे हैं। सर, एक शशांक जैन जी हैं, इन्होंने हम प्रश्न पूछा है कि जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट जो सर्टिफिकेशन स्कीम है, इसका स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योर्स कैसे लाभ ले सकते हैं? देखिए, जीरो इफेक्ट ये एक नया सर्टिफिकेशन का स्वरूप बना है, और जीरो इफेक्ट असेसमेंट मॉडल अथॉरिटी करके उसका नाम है, और इसमें मैन्युफैक्चरिंग अच्छी हो, इसका विशेष रूप से मतलब यही है कि प्रदूषण न होने पाए, गुणवत्ता युक्त निर्माण हो, इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो, इस हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए। उसके लिए कैसे हम टेक्नोलॉजी को इस ढंग से बनाएं जिसके क्वालिटी भी बनी रहे, और उस आधार पर अगर मैन्युफैक्चरिंग होगी तो ज्यादा अच्छा होगा। उसी में लीन टेक्नोलॉजी है, उसी में डिजाइन टेक्नोलॉजी है, और उस टेक्नोलॉजी के आधार पर जीरो डिफेक्ट के माध्यम से अगर चीजों को ठीक किया गया तो मैं समझता हूं कि चूंकि ये काम सौंपा गया है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया को, वो इसको देख रहा है, तो इस आधार पर अगर मैन्युफैक्चरिंग किया हुआ माल मार्केट के अंदर तुलना के अंतर्गत कंपटीशन में अगर आता है तो उसको मानक के रूप में जो मानते हैं हम, मानक ब्रॉन्ज है, सिल्वर है, गोल्ड है, डायमंड है, प्लेटिनम है, 5 है, और उस आधार पर उसको मापते हैं, इसमें जिस ढंग से आएगा तो इसमें एक विशेषता है कि जो भी सेक्टर, जो भी मैन्युफैक्चरिंग की यूनिट इसमें आती है उसके अनुसार उसको फाइनेंशियल सपोर्ट भी प्राप्त होगा, फाइनेंशियल असिस्टेंस भी प्राप्त होगा। तो ये चूंकि अभी शुरू हुआ है और इसमें लगभग 2200 यूनिट को हमने सामने टारगेट करके रखा है, अब उसमें हम करने का प्रयास कर रहे हैं। सर, फेसबुक के माध्यम से विकास सिंह ने पूछा है, इनके दो सवाल हैं। पहला सवाल है कि जैसे SEZ हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन की डेवलपमेंट के लिए बनाए गए हैं, क्या कृषि के विकास के लिए भी उसी के आधार, उसी से मिलता जुलता हमारे पास कोई नया सेटअप हो सकता है? नहीं, SEZ का हमारे पास कोई सेटअप नहीं है। दूसरा इनका कहना है कि ये बेसिकली किसान नहीं है लेकिन ये कृषि आधारित व्यवसाय खोलना चाहते हैं। इनका कहना है कि उसके लिए मिनिमम 5 एकड़ की उपजाऊ भूमि की आवश्यकता होती है, क्या ऐसा कोई क्राइटेरिया है? तो उसको खरीद ले, कोई हल नहीं है, वो अपना खरीद सकते हैं, खरीद करके अपना करें निर्माण, क्या हर्ज है। सर, अभी आपने माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज फैसिलिटेशन काउंसिल पोर्टल लॉन्च किया था, एक सवाल अमित जैन जी ने पूछा है इस संदर्भ में कि यूपी में अभी भी जो डाटा है वो अपलोड नहीं हो रहा है, इस संदर्भ में इनका कैसे ग्रीवियंस दूर किया जाएगा? सर, देखिए, ग्रीवियंसेस तो बहुत आए हैं, जो जो फैसिलिटेशन काउंसिल है ये विशेष नो डिले पेमेंट के उसके अंतर्गत है, और ये इसके बारे में जो अभी तक सारी चीज़ें रिपोर्ट्स हमारे पास आई हैं, चूँकि स्टेट उसको सुनिश्चित करता है और उसके कारण भाई डिले हो रही है, तो उसको भी इस पर हम विचार कर रहे हैं, वे पोर्टल बना दिया है, लेकिन जो ग्रीवांसेस का सवाल है इसके लिए भी हमने एक वेब पोर्टल बनाया है, ये सेंट्रल पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम ये है हमारा, इसको वेब पोर्टल के रूप में रखा है, और इसमें आपको जानकारी के लिए मैं बता दूंगा लगभग 45,000 के आसपास आया है, जिसमें से काफी चीजों का समाधान हो गया है, शायद 30 ऐसे बने, 45,000 ऐसे आया ग्रीवांसेस, और जिसमें केवल 30 रह गए शेष हैं, और हम लगातार उसको मॉनिटर करते जा रहे हैं और सारे ग्रीवांसेस को निपटाने का प्रयास कर रहे हैं। सर, महिला जो उद्यमी है उनके लिए आपके मंत्रालय की ओर से विशेष क्या योजनाएं? ये तो मैंने आपको बताया कि जैसे स्टैंड अप इंडिया है, स्टैंड अप इंडिया के अंदर जो कि प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की तो उसमें 1,25,000 बैंक की शाखाएं और सब मिलाकर हैं, एक एक बैंक एक महिला को और एक SC/ST को एडॉप्ट करेगा, तो 2,50,000 तो ऐसे ही हो गए जो ले रहे हैं, लेकिन महिलाओं के लिए हमने प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के अंतर्गत जो यूनिट लगाने के बाद मार्जिन मनी सब्सिडी लेने की बात की है,
ये 25% शहर में और 35% गांव में, जबकि सामान्य लोगों के लिए 15% शहर में और 25% गांव में है। ये महिलाओं के लिए स्कीम है। महिलाओं के लिए और भी हमने की है, एक ट्रेड रिलेटेड वुमन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम के रूप में है, उसमें भी हमने कुछ सब्सिडी के नाते उनको पैसे की व्यवस्था हमने की है। और भी क्षेत्रों में महिलाओं को आगे बढ़ाने की दिशा में इंटरप्रेन्योर बने, उस दिशा में हमारी तरफ से लगातार प्रोत्साहन है और हम कराने का प्रयास करते जा रहे हैं। सर, आपके मंत्रालय की ओर से उद्योग आधार के जरिए जो लाभार्थी जो होना चाहते हैं एमएसएमई के अलग अलग कार्यक्रमों का, वो हो सकते हैं, सर इसके बारे में कुछ बताएं। उसमें बता दे, वो मैंने आपको बताया ना कि जो रजिस्ट्रेशन कराने में परेशानी जाती थी और रजिस्ट्रेशन कराने के लिए अनेक पेपर्स पढ़ने पड़ते थे, लोगों को भाग करके आना पड़ता था, तो इसको हमने बड़ा सरल कर दिया है और उतनी ही क्वेरी है जो बहुत आवश्यक है उसको एक पेज का बनाया है। प्रधानमंत्री जी की इच्छा थी, प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात के अंतर्गत कहा भी था कि इस मामले लोग बड़ी परेशानी व्यक्त करते हैं, तो उस 20 पॉइंट्स को अगर वो भर देते हैं, ऑनलाइन है, भर देते हैं और क्लिक करेंगे तो उनको तुरंत रजिस्ट्रेशन नंबर 5 मिनट के अंदर मिल जाएगा। कोई कागजात उनको नहीं जमा करना पड़ेगा, एक भी पैसा नहीं खर्च करना पड़ेगा और सेल्फ सर्टिफिकेशन के आधार पर हो जाएगा, इसलिए उनको कोई दिक्कत नहीं जाएगी। वो यूएम जो है, उद्योग आधार मेमोरेंडम वेब पोर्टल है, इस वेब पोर्टल पर जाएं, ये सारी चीजें हो जाएंगी। सर, हाल ही में आपके मंत्रालय ने बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए खादी और विलेज इंडस्ट्री में जो सेल है वो 50,000 करोड़ को क्रॉस कर गया सर, 52,000 करोड़। यस सर, उसके बारे में आपका क्या कहना है सर? प्रधानमंत्री जी ने प्रारंभ में ही इस पर इच्छा व्यक्त की थी कि खादी के माल को, सामान को लोग खरीदें, और ये कहा भी था कि जो बाकी कपड़े आप खरीदते हैं खादी का भी खरीद लो। दूसरा ये भी कहा था कि जो ग्रामोद्योग से निर्मित सामान है इसके बारे में, जो बाकी के सामान आप करते हैं, आप जो दिवाली मनाते हैं मोमबत्ती से या दिए मिट्टी की दिया लेकर दिवाली मनाओ, तो उसके कारण जनता की रुचि ज्यादा बढ़ गई और इसलिए उन्होंने खरीदना शुरू किया। हमारा प्रोडक्शन लगभग 34% बढ़ा और जो खरीद किस्ती बनी 29% या 30% बनी, ये लगातार बढ़ा है। और इस समय जो हम प्लान कर रहे हैं, जो हमने आपको एक योजना बताई MPDA जो स्कीम बताई और एशियन डेवलपमेंट बैंक की तरफ से हमने पैसा लिया है 331 करोड़ खर्च करके, अब हम इसको आगे चलकर और भी हम इसको बढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें 2,000 करोड़ के आसपास हमारा खरीद का बढ़ जाएगा और 1,300 करोड़ प्रोडक्शन का बढ़ जाएगा और इसमें 19 लाख से ज्यादा हमारा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। ये लगातार चूंकि उस दिशा में करते जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी की इच्छा है कि हम खादी को ग्लोबल मार्केट में कम्पीट करें और इसलिए उन्होंने स्लोगन दिया कि खादी फॉर नेशन एंड खादी फॉर फैशन। पहले गांधी जी ने कहा था खादी फॉर नेशन, स्वदेशी के रूप में कहा था, उस समय जरूरत थी, आज भी जरूरत है खादी फॉर फैशन, यानी इस मामले में भी खादी किसी से कम नहीं है। गुणवत्ता के मामले, इसके सीधा सीधा अर्थ है, गुणवत्ता के मामले में भी खादी का कोई तुलना नहीं है और इसलिए उस रूप में हम खादी को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। इसे रेमंड के साथ भी, बिरला के साथ भी और लोगों के साथ भी हम सारा करते जा रहे हैं और उसका एक अच्छा स्वरूप लोगों के सामने प्रस्तुत होता जा रहा है और इसलिए बिक्री भी ज्यादा बढ़ रही है, प्रोडक्शन भी ज्यादा हो रहा है और संस्थाओं को भी लगने लगा है कि अब ज्यादा हम आगे बढ़े हैं और आर्टिजन्स को भी अधिक से अधिक हम लाभ प्रदान कर सके, उनको भी हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से फंड देते जा रहे हैं। तो ये हमारा प्रयास और उस दिशा में हमारी एक दृष्टि है, उसको कराने का हम प्रयास कर रहे हैं। सर, लघु उद्योगों में गुणवत्ता संवर्धन ये एक विशेष विषय रहा है, तो स्किल इंडिया के माध्यम से या अन्य किसी योजना के माध्यम से आप कुटीर उद्योगों में कैसे अपनी स्किल को बढ़ाएं ताकि क्वालिटी इंप्रूव हो सके, इस दिशा में आपका मंत्रालय कुछ कर रहा है सर? देखिए, जो मेक इन इंडिया की बात की गई, मैन्युफैक्चरिंग हब की बात पहले की गई थी, मेक इन इंडिया की बात इसलिए कही कि अधिक से अधिक इन्वेस्टमेंट हो ताकि इन्वेस्टमेंट के आधार पर जगह जगह छोटे छोटे उद्योग लग सके। लेकिन उद्योग लगने से और निवेश करने से काम नहीं बनेगा, तो उद्योग में लगने वाले लोग जानकार हो, अच्छे हो, इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने स्किल इंडिया की बात की और जगह जगह स्किल डेवलपमेंट का काम भी किया और स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री भी खुल गई। उसी में जीरो डिफेक्ट की बात आई है ताकि गुणवत्ता युक्त निर्माण हो सके, उसके लिए हर प्रकार की ट्रेनिंग, उसके लिए हर प्रकार की स्किलिंग, इस प्रकार की व्यवस्था बनाई जाए
ये प्रधानमंत्री जी ने किया था और उस आधार पर करने की कोशिश की जा रही है। हमारे मंत्रालय की तरफ से भी जैसे हमने इंस्पायर स्कीम कही उसी के लिए किया। इनोवेशन पर हम ज्यादा जोर दे रहे हैं, इसलिए दे रहे हैं। दुनिया के अंदर इस समय इनोवेशन के प्रति बड़ा आकर्षण बढ़ गया है। अभी मैं मॉरिशस गया था, वहां इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फेयर लगा हुआ था। अब उसमें इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी, नए प्रकार की टेक्नोलॉजी विभिन्न वस्तुओं के निर्माण के लिए कम पैसे के आधार पर हम डेवलप कर सकें, इस दिशा में हमारा प्रयास है। हमारा मंत्रालय इसमें बड़ा महत्वपूर्ण काम कर रहा है। इसके लिए हमने कुछ विशेष सेंटर्स खोले हैं। हमारा जो टेक्नोलॉजिकल सेंटर सिस्टम प्रोग्राम है, जिसमें पहले इतने वर्षों में केवल 18 टेक्नोलॉजिकल सेंटर थे, टूल रूम थे, अभी 3 वर्ष के अंदर 13 हम सेंटर खोलने जा रहे हैं। इसमें हर प्रकार की, चाहे बी टेक हो, एम टेक हो, चाहे पढ़े लिखे हो, इस प्रकार के लोगों को हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, ताकि यहाँ कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स भी हो, R&D भी हो, और यहाँ आकर के लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का भी अच्छी तरह से लोग अध्ययन कर सके, ताकि उस टेक्नोलॉजी के आधार पर हम अपनी चीजों को दुनिया के अंदर ढंग से पेश कर सके। इस हिसाब से हमने काम करना शुरू कर दिया है और मैं कह सकता हूं कि ये सही माने में हमारे मैन्युफैक्चरिंग का भी, हमारे सिस्टम का भी एक गुणवत्ता का स्वरूप निर्माण कर सकने में सक्षम होगा, और लघु, सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम के माध्यम से हम यान पर भी बनाएंगे, मैंने इसरो में भी जाएंगे, डिफेंस में जाएंगे, एविएशन में जाएंगे, हम सब प्रकार की चीज कर रहे हैं। हमारे लोग गए भी थे, हमारे इंजीनियर्स भी गए, ये हम कर रहे हैं। सर, अभी कनाडा से, टोरंटो कनाडा से अनिल श्रृंगी जी, इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि जो NRIs हैं वो अगर भारत में छोटे फूड मैन्युफैक्चरर के रूप में अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं तो वो अलग अलग प्रकार की जो ग्रांट्स आपके मंत्रालय के माध्यम से दी जा रही है उनके लिए कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं? मैं समझता हूँ, हमें फिर हमारी वेबसाइट है और हमने तो एक अपनी योजनाओं संबंधित बहुत अच्छी चीज की है, MSME ऐप मोबाइल, ये है, उसको डाउनलोड कर देख सकते हैं। स्कीम सारी स्कीम्स उसमें पड़ी हुई है, हमें देखें क्या ग्रांट मिल सकती है, क्या सुविधा प्राप्त हो सकती है, उनको सब प्राप्त हो सकता है। तो इसलिए वेबसाइट भी है, MSME मोबाइल भी है और सारी चीजें हैं। इसलिए मुझे लगता है कि अनिल जी को बता दीजिए कि हर स्तर पर आए और उनको देख करके उस स्कीम का लाभ उठाए। सर, कार्यक्रम के अंत में आप जो नए लघु उद्योग या सूक्ष्म उद्योग स्थापित करना चाहते हैं उनके लिए आप कोई संदेश देना चाहेंगे? मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी ने इस समय विशेष रूप से ये जोर दिया है कि भारत को चौथी औद्योगिक क्रांति के लिए तैयार होना पड़ेगा, और चौथी औद्योगिक क्रांति के लिए तैयार होने के लिए हमें डिजिटल इंडिया की तरफ जाना पड़ेगा, हमें इनोवेशन की तरफ जाना पड़ेगा, और इनोवेशन और डिजिटल इंडिया इसको अपनाकर प्रभावी तौर पर हम काम करने की दिशा में आगे बढ़ें। MSME उस दिशा में आगे बढ़ रही है, इसके लिए हम मानसिक दृष्टया तैयार हों, यही हमें सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यमी बंधुओं से निवेदन है, और मैं मुझे विश्वास है कि उस दिशा में लोग बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमने देखा है कई लोगों को हमने बाहर भेजा है तो इस स्तर के लोग तैयार हुए हैं। मंत्री जी, हमारे इस कार्यक्रम पर आने के लिए और अपना कीमती समय इस कार्यक्रम को देने के लिए और इतने सारे सवालों का जवाब देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हमारे सभी दर्शक, बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे सभी दर्शक जो फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से हमसे जुड़े हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार।